कैसा लग रहा है आप लोग ट्रेनिंग में आए हुए? द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य है। बहुत सारे लीडर्स आए यहाँ पे, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें आपको समझ आई होगी। समझ आई? इतनी जबरदस्त बात है। मनीष ओरान जी आए थे, बहुत दिल से कई बातें हुई। उसके बाद सतीश ठाकुर जी आए, उसके बाद आजाद पटियाल सर आए। बातें समझ आई? इतना मैं खुद सुन रहा था ट्रेनिंग को, तो बहुत कुछ चीजें निकल के आई, बहुत कुछ। यूं कहूं कि मुझे अपनी याद आ रही थी, मतलब 14 साल पुरानी, 14 साल से हूं मैं इस इंडस्ट्री में। कितने साल से? 14 साल। मैं 14 साल पहले जब हम इस बिजनेस को शुरू कर रहा था आजाद पटियाल सर ने और मैंने, तो उस वक्त ये सिस्टम नहीं हुआ करता। उस वक्त ऐसे ट्रेनर नहीं थे, उस वक्त ऐसे लीडर्स नहीं थे, उस वक्त ऐसे लोग नहीं थे कि कुमारे हैं कारनामा करना है। हम वीडियो देखते थे यूट्यूब पर, हम लोगों के फोटोज देखते थे कि ये दिल्ली में हो रहा है, ये यूपी में हुआ और ऐसा करना है। आज बदल गया है चीज, बहुत सारी चीजें बदल गई। आज आपके पास बेस्ट सिस्टम है, जबरदस्त कंपनी है, ग्रेट सीनियर्स है जो आपके पग पग पे आपके साथ है। और वो दौर हमारा था ना, हमें सिस्टम का पता था ना, अपलाइन का कॉल आया ना, अपलाइन फील्ड में आए ना, अपलाइन की कभी शक्ल देखी। सिर्फ अपना एक जनून था, मेहनत करने का। 14 साल आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, तो उस वक्त आप 4 साल के हुए हुआ करते थे, शायद पजामा दंगा नहीं लगता था है? लेकिन हमने 14 साल इस इंडस्ट्री में लगाए। आप इसकी गहराई मत नापिएगा सेज चौकी की गहराई कितनी है, क्योंकि सेज चौक समुंदर है, इसको नापा नहीं जा सकता। कभी हिंद महासागर को नापा गया है? नो सर। वैसे इसकी गहराई है, इसको नापने नापने में हमारी जिंदगी निकल गई। 14 साल में जब आए थे तो कुछ नहीं थे, एक मिडिल क्लास फैमिली के इंसान थे। दादाजी आर्मी में, पिताजी आर्मी में, आपको पता है दोनों आर्मी में तो क्या बोलेंगे, बच्चा भी आर्मी में। सही कह रहा हूं? दो तीन बार मैं भी ग्राउंड दौड़ा हूं भर्ती के लिए, आजाद पटियाल सर भी दौड़े लेकिन स्थिति अलग थी। लेकिन उस फील्ड से इस फील्ड में आना, इस फील्ड में टिकना, वो बड़ी बात है। मैं 14 साल क्यों कह रहा हूं, भगवान रामचंद्र जी ने भी 14 साल का वनवास लिया, और ये वनवास आज हमारा भी खत्म हो रहा है। हम भी 14 साल में सम्राट रहे हैं। आजाद पटियाल जी कह रहे थे कि हमने यहाँ पे नेटवर्क नहीं बनाया, हमने यहाँ पे परिवार बनाया, कह रहे थे ना। आप लोगों के लिए शायद ये बिजनेस हो सकता है सेफ शॉप, आप सबके लिए शायद, अभी नए नए हो आप लोग, जुड़े नहीं हो उतने, आप लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है, और हमारे लिए तो ये बिजनेस नहीं है, हमारी जान है। अगर सेफ शॉप ना रहे तो हम मर, लेकिन सेफ शॉप को छोड़ नहीं सकते, हमारी जिंदगी है सेफ शॉप, मेरी सांसें सेफ शॉप रखी हुई है, क्योंकि सेफ शॉप ने जो हमें दिया वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। एक रिश्तेदार भी एक दिन देगा, दो दिन देगा, 10 दिन देगा, लेकिन पूरी जिंदगी या जिंदगी भर का किसको कोई ठेका नहीं देता। सही कह रहा हूं? हमारी जिंदगी सेफ शॉप ने बदली है। आप सभी लीडर्स जो यहाँ पे आए हैं, एसोसिएट्स है सारे, सुबह से लीडर्स कह रहे हैं, श्री ठाकुर जी, मनीष जी, आजाद पटियाल सर कह रहे हैं बार बार, एसोसिएट्स है, ट्रेनिंग्स है। ये ट्रेनिंग इसलिए है ताकि आप लोगों को एजुकेट किया जाए। मैंने देखा है लोगों को डूबते हुए नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में, मैंने देखा है लोगों को तैरते हुए और गिरते हुए। मैं उन लोगों से मिलता हूं जो जिन जिन लोगों की 6-6 महीने में 6-6 कंपनियां चेंज होती है, 6-6 महीने में 6-6 कंपनियां। मैंने देखा है लोगों को टूटते हुए, मैंने देखा है लोगों को कैसे बेवकूफ बना के गायब हो जाते हैं, मैंने देखा है अंदर से। और मैं आज आपको दावे से कह सकता हूं कि इस इंडस्ट्री में जब हम नहीं थे, जब शुरुआत करी थी तो जीरो से थे, आज इस बिजनेस ने हमें हीरो बना के छोड़ दिया। यहां पे आए हैं अपना जो ट्रेनिंग के लिए आए, जो सीखने के लिए आए, इसको सीख के जाइए। ये लॉटरी नहीं है,
ये लॉटरी नहीं है भाई। आप होली में स्टार्ट करो दिवाली, जिंदगी बदलने का अभियान है सिर्फ शौक। एक बार अगर कूद गए तो भैया कुछ ना कुछ बन के तो निकलो, ये मेरा दावा है। लेकिन ईमानदारी और वफादारी अगर आपके अंदर है तो ग्रांटेड कह रहा हूं, मेरा नाम बदल देना अगर आप सफल नहीं हो। ईमानदारी क्योंकि इस बिजनेस का सफल होना है, यहां पर लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, लाखों करोड़ पैसा नहीं देना है। यहां पर तो सिर्फ आपका 4-5 साल चाहिए, वो भी एक शिद्दत से, वो भी एक ईमानदारी से। आपने इतने बहुत सारे लोग हैं, बहुत एज, बहुत उम्र बहुत बड़ी होगी, लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हो 4-5 साल क्या होते हैं। एक बच्चा 4 साल डिग्री लेने जाता है तो 4 साल बाद सर्टिफिकेट लेके आता है। एक डॉक्टर बनना है तो 4 साल लगाने पड़ेंगे, एक इंजीनियर बनना है तो 4 साल लगाने पड़ेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो 4 साल लगाने पड़ेंगे, और 4 साल में 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपया फेंकना पड़ेगा, उसके बाद सर्टिफिकेट लेके आएगा। और मैं कह रहा हूं 4 साल यहां लगा तो 4 साल में सारा करोड़पति ने बना तो नाम पड़ेगा। 4 साल में 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ सीखते जाओ, नोट छापते जाओ, सिर्फ सीखते जाओ, नोट छापते जाओ। ये मशीन है सेक्शन, सिर्फ सीखते जाओ और निकलते जाओ। मैंने अपनी आंखों के सामने सेफ शॉप में लोगों को उड़ते भी देखा है और डूबते भी देखा है। जो लोग नहीं थे, जो लोग नहीं रहे, उनके घर तक निकल गए, उनकी गाड़ियां तक निकल गई। जो लोग टिके इस इंडस्ट्री में, उनकी जिंदगियां बदल गई। जो 7 जन्म में नहीं होकर पाए, उन्होंने 1 जन्म में पूरा कर दिया। और लोग कहते हैं कि भाई किस्मत बदलते हैं, किस्मत नहीं है, मेहनत। किस्मत तो भाई लकी ड्रॉ में होते हैं, लकी ड्रॉ होता है ना, उससे बोलते किस्मत बदले। यहां तो मेहनत चाहिए, सेल्स शॉप में मेहनत चाहिए। जितने भी लीडर्स बैठे हैं सभी, सबको पता है मैं बिना मेहनत के नहीं होता। लकी ड्रॉ, किस्मत, ये तो हम छोटी मोटी चीजों में, या कोई ऊपर निकल गया, लॉटरी निकल गई, या कहीं मेरा जैकपॉट लग गया, वो लकी ड्रॉ है। यहां पे तो मेहनत चाहिए। जिस तरीके से हम खेतों में मेहनत करते हैं ना, करते हैं खेतों में मेहनत, वैसी मेहनत हमें आज यहां करने की जरूरत। लेकिन खेतों से मेहनत करके करोड़पति तो नहीं बना जा सकता मेरे भाई, लेकिन मेहनत करके सेफ शॉप में करोड़पति जरूर बनते हैं। जो लोग टिके हैं वो करोड़पति बने हैं। आज देखिए, एक चेहरा आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, सुबह से देख रहे होंगे, चेहरा दिख रहा होगा। कौन है स्वर्गीय कृष्णा होगा, डायमंड निकल। आप लोगों की शायद नजर ही नहीं पड़ी होगी। सोचिए, अगर सेफ शॉप में ना होते, कोई इन्हें लगा के बैठा होता, आम इंसान होता, तो भैया 1 साल पहले नहीं रहे हमारे बीच, 1 साल हो गए इन्हें हमारे बीच नहीं रहे, तो कौन इनके इनके परिवार वाले घूम गए होते आज 1 साल के बाद। तो सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, 1 साल बाद तो परिवार वाला भूल गया होगा, रिश्तेदार। लेकिन 1 साल बाद भी सेफ शॉप ने इनको नहीं भूला। ये है मोहब्बत सेफ शॉप, 1 साल बाद आप नहीं भूला। मरने के बाद भी आज इनके बच्चों को, इनकी बीवी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर कैलकुलेशन बताऊं तो 9 से 10 लाख रुपए पिछले 1 साल के अंदर सेफ शॉप से इनके घर जा चुका है। अब आप बताइए, अगर ये आम इंसान कुछ कर रहा होता, भाग छोटा मोटा बिजनेस, क्या इनका फोटो होता, क्या ये इनके घर के लिए जिम्मेदारी लिया होता, वो ठेले वाला, या वो शोरूम वाला, या वो एलआईसी वाला, या वो डॉक्टर किया होता तो दो लिया होता क्या? कोई किसी का नहीं था भाई। सेफ शॉप में पावर है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साक्षात प्रूफ है, साक्षात। आज मैं हूं, मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, लेकिन कल का क्या पता मेरे भाई। इसीलिए सेफ शॉप चुना है। मैं बाहर इंडस्ट्री में बहुत बहुत ऑप्शन थे बाहर,
मार्केट में बहुत ऑप्शन थे, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं था जैसा ऑप्शन सेफ शॉप में। कंपनी आती तो है, लाखों कंपनी आती है, लाखों कंपनियां चले जाती है भाई। आपके बगल में, आपके आसपास कई लोग देखा होगा आपने कंपनी के नाम, सही कह रहा हूं? Yes, जानते हैं आप लोग सबको बाकी नहीं। Yes, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं दिल पे हाथ रख के कि भाई आप फील्ड में काम करते जाइए। आज सेफ शॉप 23 साल की होने जा रही है, 14 दिसंबर को एक दिन 30 साल की भी होगी, 60 साल की भी होगी, 400 साल की भी होगी, हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे होंगे। हम लोग कमजोर दिल के सतीश ठाकुर जी कह रहे हैं सर लंगर लोग हैं, एक लेग में काम चल रहा है, एक लेग उठा ही नहीं रहे हैं। मैं कहूंगा सतीश ठाकुर जी को लंगर रहेंगे तो सारा पंगड़ा नहीं कर पाएंगे, लाखों रुपए का पंगड़ा। नोट आएंगे तो पंगड़ा भी होगा, पैसा होगा तो फेंक के नाचेंगे भी। जब हम लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो क्या जो सेफ शॉप में एक एक काम में चल रहा है तो क्या फायदा भाई, बताइए। 140 करोड़ लोग है बाहर हिंदुस्तान में, 140 करोड़ जो राशन कार्ड में आधार कार्ड में, 30-35 करोड़ तो गायब है जिनका पता पता नहीं है, लेकिन हमारे तो सब कस्टमर है। हमारे क्या है, सब कस्टमर है। जो कहीं भी इस कोने में, गांव में कहीं भी छुपा हुआ है उसको ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। आज नहीं, एक साल में करेगा, दो साल में करेगा, वो करेगा। लेकिन आप करने में कमी मत रखो, उसको गिरना पड़ेगा, लेकिन आप मेहनत करने में कमी मत छोड़िए मेरे भाई, कमी मत छोड़िए। आप कमी मत छोड़िए। वो देख रहा है आज भी कोर्ट पॉइंट में, कल भी कोर्ट पॉइंट में, परसों भी कोर्ट पॉइंट में, एक साल बाद भी आपको देख रहा है। वो देख रहा है कब आप गिरो, वो हंसने के लिए तैयार है, वो पूरा तैयार बैठा हुआ है। अब आपके घर में गाड़ी आ रहा है, इसका दिल तो चलेगा। यस सर। आपके घर में बाइक आया, गाड़ी आया, आप जैसलमेर जाओगे, दिल चलेगा। yes, तो आपका भला कोई चाहेगा वो? यस सर। वो तैयार है कब डूबो और मैं मिठाई काटू, तैयार बैठा हुआ, मुंह में नहीं बोलता है, लेकिन परिवार में पूरी बात आपका चलता है। आज जो लोग यहाँ पे बैठे हैं आपका बात चल रहा है पुलिस में, जो लोग नहीं चाहता वो आपका बात नहीं करता कि कब ये लोग डूबे। हमारा बात भी चल रहा था आज से 14 साल पहले, आज के दिन में जब हम चलते तो सारे दरवाजा खोल के बाहर ही निकले जब तक हम घर से बाहर नहीं निकले। हम घर निकल गए तो उनका बाहर निकलना बंद। समझ आ गया? आप क्या चाहते हो, उनका बाहर निकलना बंद करना या वो आपकी खुशी पे, आपके दुख पे वो मिठाई बांटे? क्या करना है, उनका बाहर निकलना बंद करना पड़ेगा। ऊपर वाला हमारे घर में पैसे तो नहीं छोड़ सकता, मैं सच्चाई कह रहा हूं आपको, पीछे वालों आवाज आ रहे हैं, ऊपर वाला पैसे नहीं छोड़ सकता हमारे घर के सामने, पर ऊपर वाला रास्ता जरूर दे सकता है। सच्चाई है ना? yes, तो रास्ता दे सकता है। मेरे घर के पास पैसा नहीं छोड़ा उसने, रास्ता दिया, बेटा सेफ शॉप तेरे को दिखा दिया है, यही तेरा रास्ता है, इसी में चलते जा, चलते जा, चलते जा, यार रामू आएगा, काका आएगा, आवाजें देगा, पीछे देख, गिरेगा। अगर हम उनके चक्कर में पड़े होते तो आज मैं भी कहीं गायब होता। कोई कंपनी वाला आया, बोला ये क्या कर रहा है, मुझे आज भी याद है जब मेरी, आपको बताऊं मेरी टीम शायद 15 या 20 लोगों की, एक आया उसने प्लान दिखाया, उसने प्लान ऐसा दिखाया, हमारी इनकम तो सिर्फ एक ही प्रकार की थी, उसने 30 प्रकार की इनकम दिखा दी। और घबरा के मैं डर गया कि साला मैं गलत कंपनी में, ये अच्छी कंपनी में। सुनिएगा, उसने 30 प्रकार की इनकम दिखाई थी, और मैं नया नया 30 लोगों की टीम है, 30-35 लोगों की और बना नहीं है, उछल धंधा रहा नहीं हूं, मैंने उसको प्लान दिखाया, वो बोलता है भाई ये क्या प्लान है, एक प्रकार की इनकम मैं 30 की दिखाता हूँ, इधर से पैसा, इधर से पैसा, इधर से पैसा। बोला तो मैं भी हिल गया,
और बाद में नेगेटिव हो गया सिर्फ शॉप के लिए। शाम को आजाद सर आए, भूषण सर आए, मैं इनको बोल रहा हूँ मैंने देखा इसका बड़ा बाप सुनो इसका बड़ा बाप। उन्होंने बोला क्या, बोलो आप तो एक दिखा रहे, हम लोग एक दिखा रहे हैं साला, ये तो बिकेगा ही नहीं। अपने पास एक बंदा है 30 प्रकार का, ऐसा उड़ेगा। बोला कौन सा, फिर उस बंदे से मिले। बाद में भूषण सर बोले, बोला यार बाकी तो ठीक है, पर इस बंदों की आंख में ना वो लग नहीं रहा है कि कमा पाएंगे या नहीं। वो मेरे को तो ये डाउटफुल लग रहा है, वो कभी प्लान देता इधर उधर, इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल आंखों में देखेगा, आंखों में आगे सही कह रहा हूँ, वो जिसको शक होता है वो इधर उधर कहीं पूछना जाए, सही कह रहा हूँ। नहीं भाई डाउटफुल बंदा लग रहा है। इसके बाद में जब भी उससे मिलता हूँ हर साल नई कंपनी लेके आता है। क्या कह रहा हूँ, जब भी उससे मिला हर साल नई कंपनी लेके आता है। और खुशखबरी देखिए, आज भी लिफ्ट लेके चलता है और जब जब मुझे देखता है साला भाग जाता है। अगर उस नमूने के चक्कर में मैं घुस गया होता तो साथियों आपका क्या होता, सही कह रहा हूं। अच्छा हुआ ऊपर वाले का कि मुझे आजाद सर, भूषण सर ने मुझे समझाया और हम तीनों ने उसको समझा और हमने डिसीजन, नहीं तो उस नलायक साले ने हमारा कैरियर मिट्टी में डाल दिया, कसम से मिट्टी में। हमारी मार्केट में खत्म, रिश्तेदारी में बुरे हाल, लेकिन आज खुशी होती है कि हम ऐसी कंपनी में, हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी में, दुनिया की महान कंपनी के अंदर हम लोग, अरे ऐसी कंपनी में लोग 2, 4, 6 साल, 8 साल, 12 साल, अभी 15 अगस्त की बात सुनाऊं, 15 अगस्त में कंपनी की 15 साल या 16 साल पूरे हुए थे, 15 अगस्त को क्विट कंपनी बोली आई क्विट, कौन बोला डायरेक्टर, मैं बंद कर रहा हूं, मैं क्लोज कर रहा हूं, कंपनी बंद 15 अगस्त के बाद क्विट। अब डायरेक्टर क्विट कर गया, लोगों का क्या होगा, क्विट करियर खत्म, सही कह रहे हो। हमें खुशी होती है कि हम दुनिया की ऐसी कंपनी के अंदर है, ऐसी कंपनी के अंदर है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं, बस अपना बगीचा, अपना पेड़, अपनी टीम, उन्हें मजबूत करते चाहिए, सींचते चाहिए। पेड़ तभी मजबूत है जब जड़ों में राख डालोगे, जड़ों में चेक बनाओगे, जड़ों में सींचोगे। हमें जड़ों को प्यार करना है, नए लोगों को प्यार करना है। ये जो जैसलमेर आजाद सर इतना प्यार से बोल रहे थे, इतना प्यार से, ये जैसलमेर किसके लिए है, नए लोगों के लिए। 2000 BB right, 2000 BB left, नया व्यक्ति जैसलमेर तो जीतेगा ही जीतेगा, 3 रात 4 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट खाएगा, रहेगा, घूमेगा, डांस करेगा, मस्ती करेगा और रेगिस्तान के जहाज में भी बैठेगा, सही कह रहा हूं। और साथ ही साथ उसका 2000 BB right, 2000 BB left पे उसका रैंक 1 कंपनी की तरफ से फ्री मिलेगा, बताइए। इतना आसान, अब आप बताइए जैसलमेर में तो हंगामा हो सकता है, धमाका हो सकता है अगर आप करना चाहोगे। मुझे नहीं लगता है कि शायद हम लोग, हम उस फैमिली से आते हैं कि हम लोग कभी जैसलमेर घूमने जा रहे हैं, कभी गोवा घूमने जा रहे हैं, कभी जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे हैं, कभी कुल्लू मनाली जा रहे हैं, कोई जाता है कि तो नहीं जाता भाई, उम्र भी दिखी इधर है तो इधर ही है, उधर से उधर ही निकले, सच्चाई कह रहा हूँ। लेकिन इस बिजनेस ने हमें यहाँ तो यहाँ, इंडिया तो इंडिया, इंडिया से 7 समुद्र पार, विदेशों में भी घुमा के ला दिया। सोचना आप सबको, जाने जाने बहुत सारे लोग आज इस हॉल में आने वाले थे, कल भी है,
कल भी ट्रेंडिंग है, कल इससे ज्यादा लोग, बहुत सारे लोगों को अपना फोन आप लोग कर रहे होंगे, आप अपना फोन कर रहे होंगे, जल्दी आओ बोल रहे थे सीखने को। और कुछ लोग होंगे जो जो जबरदस्ती आए हैं, जिनको इधर से भी डंडा लगाया, इधर से भी डंडा लगा कर आया, सही कह रहे हो, वो बहाना वो चीज। मेरे भाई आप बताइए, आप जिस फैमिली से हो, जिस जगह में रहते हो, जिस परिवार से हो, जो आपका माहौल है एरिए में, आप पहले एक ऐसे इंसान हो जो अपने घर की और अपने गांव की दिशा और दशा बदल सकते, पहले इंसान। लेकिन तभी आपको यहां लाया गया, आप वो कर सकते हो जो आपने अभी तक नहीं अचीव करा, आप वो अचीव कर सकते हो जो अभी तक अचीव नहीं करा। लेकिन उसके लिए आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। जो भी लीडर यहां पर टॉप पे बैठे हुए हैं, उन्होंने सीखा है इस बिजनेस को, समझा है। जो भी मार्केट में पैसा कमा रहा है, सेफ शॉप पे नहीं, बाहर मार्केट में, अगर नाई बाल काट रहा है तो उसे नाई का काम सीखा है, कभी मुर्गा वाला बाल बना देता है, कभी इधर से बना देता है, बनाता था लोगों को, तो सीखा है ना भाई। अगर तुम्हारे बाल को ऐसे अनोन बंदा काट के मुर्गा बना देगा, मार मार के तेल निकालोगे, बात समझ आ रहा है, सीखा हुआ है, कभी इधर से, कभी मछली बना दी इधर, कभी इंडिया लिख दिया पीछे, तो वो सीखा हुआ है ना। कोई भी व्यक्ति मार्केट में किसी भी चीज से अगर पैसा कमा रहा है तो उसने वो काम सीखा है। अगर आप सेफ शॉप में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ये काम सीखना पड़ेगा, जो काम मैंने सीखा। ये सीखने का काम है, अगर सीखोगे, सीखते सीखते आप सक्सेस हो जाओगे। बहुत इजी है, बहुत आसान है खुजली करना, मजा आता है खुजली करते हुए, आता है ना। और बहुत आसान है चुगली करना, सही कह रहे हो, खुजली में कितना मजा आता है, छोटी सी खुजली करनी होगी तो छिलका निकल सकता है, सही कह रहे हो। और बहुत आसान है चुगली करना, हम लोग चुगली में ही पड़े हुए, उसका चेक बन रहा है, उससे परेशान है, उससे अपलाइन से परेशान है, डाउनलाइन से परेशान है, पड़ोसी से परेशान है, चुगली से नहीं बिजनेस चलेगा, बिजनेस चलेगा मेहनत एफर्ट्स। आपको सेमिनार, आपको मीटिंग, आपको हॉल बनने पड़ेंगे, जैसे हॉल ये भरा हुआ है, आपको ऐसे ऐसे हॉल बनने पड़ेंगे, सब जाके धंधा खड़ा होगा। आप हॉल भर नहीं पा रहे हो तो धंधा कैसे होगा। मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल में हॉल भरे 14 साल पहले, कब भरे, आज 17 राज्य में हॉल भरते हैं, 17 राज्य में। लोग मुझे नहीं जानते, लोग ज्वाइन होते हैं लेकिन पैसा मुझे आता, सही कह रहा हूं। हमें वो बिजनेस करना है जो बिजनेस मार्केट में कोई नहीं कर रहा। ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं, इस बिजनेस को बाहर अमेरिका में 100 साल पहले लोग, वो लोग क्या करते थे, जो लोग अमीर थे, जो लोग डॉक्टर थे, जो लोग इंजीनियर थे, एमबीए कौन करता, डॉक्टर इंजीनियर, जो लोग सेटल, वो लोग अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए इस इंडस्ट्री को करते थे, जो एमबीए, क्यों, क्योंकि वो बहुत सुलझा हुआ इंसान, उन्हें पता था पैसे की वैल्यू क्या है। हम लोगों को ये मिला है मौका कि जो वो लोग करते थे 100 साल पहले, हम वो करने कर रहे हैं। अगर हम आज से 10 साल ये बिजनेस कर गए तो 2030 में जब पूरा हिंदुस्तान कर रहा होगा तो हम लोग सारा सबके सब में ऐसे ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं।